हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई ये है आज हमारे साथ एस्टर का शार्प वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड वाला जो है, इसमें आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह की जो है इसकी की आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का जो है रिलीज़ का फीचर इसमें देखने को आपको मिलेगा। कुछ इस तरह की जो है गाइस गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक जो है गाड़ी को देखने को मिलता है। एंड अगर आपको इसका जो है स्मार्ट वेरिएंट देखना है EX के साथ, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, जाके आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरह की जो है गाइस गाड़ी देखने को मिलती है। यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी जो है यहाँ पर हेडलाइट्स आपको प्रोवाइड की गई है। एंड इसमें आपको जो है वाइट DRLs विद टर्न इंडिकेटर के साथ ये देखने को मिलती है आपको। इसमें जो है आपको गाइस प्रोजेक्टर लैंप भी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। नीचे की साइड जो है यहाँ पे आपको फोग लैंप हेलोजन देखने को मिलता है। एंड बहुत ही अच्छी जो डिज़ाइन है पियानो फिनिश के साथ फोग लैंप के ऊपर आपको प्रोवाइड की गई है। एंड कुछ इस तरह की जो है आपको इसकी जो फ्रंट ग्रिल है देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा सा जो है पैरासोल लोगो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। एंड ये शार्प वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको जो है 360 का फ्रंट कैमरा जो है आपको देखने को मिलेगा। एंड बहुत ही अच्छी जो है लुक में आपको जो है डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी एस्टर की। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड नीचे आपको सिल्वर कलर की जो है स्कीड्स प्लेट देखने को मिलेंगी। एंड ऊपर की साइड जो है ना गाइज, आपको मोरिस गैरेज की बैजिंग भी पूरी देखने को मिलती है। ये विदाउट एडास वाला है वेरियंट, तो आपको इसमें एडास देखने को नहीं मिलेगा। बट इसमें जो है बहुत ही अच्छे खासे जो आपको डेली नीड्स वाले फीचर्स है, सनरूफ हो गए, 360 डिग्री कैमरा हो गया, ये सभी फीचर्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब है ही गाड़ी में। एंड साइड से देखते हैं तो गाइस कुछ इस तरह की जो है आपको इसके अलॉयज़ देखने को मिलेंगे। इसका जो है अलॉय साइज़ आपको देखने को मिलेगा 125/55R17 के साइज़ के जो है अलॉयज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगे, डायमंड कट वाले। एंड बहुत ही अच्छे जो है अलॉयज़ की डिज़ाइन भी यहाँ पे बनाई गई है। एंड चलते हैं साइड में गाइस, तो कुछ इस तरह की जो है गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, पूरा व्यू इसका। एंड बहुत ही प्यारी जो है लगती है। ऊपर की साइड जो है ना गाइस, आपको रूफ रेल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर जो है गाइस आपका इसका ऑटो फोल्डिंग ORVM मतलब देखने को मिलेगा ORVM। इसके साथ ही आपको जो है टर्न इंडिकेटर्स एंड 360 डिग्री का रिवर्स मतलब साइड कैमरा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है गाइस आपको सिल्वर की फिनिश पूरी देखने को मिलेगी। एंड ऊपर की साइड जो है आपको इसकी रूफ रेल्स भी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी यहाँ पे लग रही है। एंड डोर हैंडल्स भी आपको कलर के साथ क्रोम में प्रोवाइड किए गए हैं, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। इंटीरियर जल्दी दिखाऊँगा आपको, बहुत ही प्यारा एंड ऑसम सा इंटीरियर इसमें बनाया गया है। एंड ये नीचे की साइड जो है आपको सिल्वर स्कर्ट प्लेट्स दी गई है, बहुत ही प्यारी जो है ये स्कर्ट प्लेट्स लगती है। एंड पीछे की साइड भी आपको जो है नीचे की साइड आपको पीछे भी जो है डिस्क ब्रेक्स प्रोवाइड किए गए हैं, फ्रंट में तो है ही, और अच्छी बात है कि रियर में भी आपको जो है डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छा जो है सेफ्टी का फीचर्स जो है रियर डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेगा। अच्छी खासी जो है सेफ्टी रेटिंग्स भी इसमें 5-स्टार जो है सेफ्टी रेटिंग भी मिल जाती है आपको साथ ही में। कुछ इस तरह का जो है इसका रियर व्यू देखने को आपको मिलेगा। बहुत ही प्यारी जो है गाड़ी लगती है एंड बहुत ही ऑसम सी जो है गाड़ी लगती है, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत ही पसंद आती है। एंड पीछे की साइड जो है MG का लोगो यहाँ पे बना हुआ है। एंड एस्टर की बैजिंग जो है नीचे बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है। एंड यहाँ पर जो है आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प विथ शार्क पिन एंटीना, ऊपर की साइड जो है आपको सनरूफ मिल जाती है, वाइपर डिफोगर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। एंड यहाँ पे जो है गाइस LED टेल लाइट जो है आपको प्रोवाइड की जाती हैं, पूरी जो है LED टेल लाइट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें जो है ना गाइस एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये लगती है मुझे एस्टर में, कि इसकी हेडलाइट्स की फ्रंट जो हेडलाइट्स हैं एंड रियर जो हेडलाइट्स हैं उनकी जो डिज़ाइन है बहुत ही सिमिलर सी लगती है यहाँ पर। एंड वो चीज़ बहुत ही मुझे अच्छी लगी है। एंड यहाँ पर जो है इसके ZS की बैजिंग आती है। एंड ये जो एस्टर है इसमें EV वाला भी वेरिएंट आता है, इसलिए इसको ZS वाला नाम दिया गया है। यहाँ पे रियर बम्पर में भी आपको सिमिलर सी फ्रंट में जो डिज़ाइन आती है वहीं आपको रियर में भी देखने को मिलेगी। नीचे की साइड जो है फेक जो है एग्जॉस्ट देखने को मिलेंगे विथ क्रोम टिप्स एंड कुछ इस तरह का जो है इसका बम्पर लगता है पीछे से। बहुत ही प्यारी जो है गाड़ी यार है, तो करते हैं इसका बूट ओपन। भाई अच्छी तो बहुत लगती है। एंड कुछ इस तरह का जो है इसका बूट ओपन हो जाता है।
ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे जो है मैट्स वगैरह एक्सेसरीज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अंदर की साइड जो है आपको बूट लैंप देखने को मिलता है विथ पार्सल ट्रे, एंड कुछ इधर भी आपको जो है स्पेस देखने को मिलेगी। नीचे की साइड जो है गाइस आपको एक साइज जो छोटा है वो आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा, बाकी स्पैनर वगैरह तो आपको पूरा पूरा देखने को यहाँ पे मिलेगा ही। तो बूट को कर देते हैं यहाँ पे बंद एंड चलते हैं लेफ्ट साइड में। तो यह यहाँ से भी जो है गाड़ी बहुत ही खूबसूरत सी लगती है। इसका जो फ्यूल टैंक है 55 लीटर का जो आपको दिया गया है। एंड क्वार्टर ग्लास में मुझे एक शिकायत थी कि भाई अच्छा होना चाहिए ना, मतलब थोड़ा बड़ा होता तो ए रिफिल होता अंदर ज़्यादा, बट कोई दिक्कत ऐसी है नहीं कॉमनली। और रूफ रेल्स तो बहुत ही प्यारी लग रही है। एंड शार्क फिन एंटीना जो है आपको ब्लैक कलर में दिया गया है वाइट गाड़ी के साथ, वो भी बहुत अच्छा है, मैचिंग सा हो लग तो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन उसका। बट चलते गई अंदर की साइड, इस साइड भी जो है आपको सिल्वर की फिनिश पूरी देखने को मिल जाएंगी। एंड एक बार फ्रंट से आप गाड़ी देख सकते हैं पूरी, कुछ इस तरह की जो है गाड़ी आपको देखने को मिलेगी फ्रंट से, बहुत ही प्यारी जो है गाड़ी यहाँ पे लग रही है। एंड इसमें जो है आपको नेचुरली एस्पिरेटेड वाला 1.5 वाला जो है MG का ही पेट्रोल इंजन इसमें देखने को मिलेगा। टर्बो वाला भी ऑप्शन आता है इसमें ऑटोमेटिक एंड CVT वाला, तो वो भी बहुत ही अच्छे हैं। एंड चलते गए अंदर की साइड, दिखाता हूँ मैं अंदर क्या कुछ आपको देखने को मिलता है सब कुछ। तो डोर को कर लेते हैं अंदर ओपन। तो कुछ इस तरह की जो है आपको डुअल ट्रिम देखने को मिलेगी, वाइट लेदर का जो है आपको डुअल टोन इंटीरियर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा जो ये लग रहा है। एंड सिल्वर की फिनिश भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है विद डोर हैंडल्स। लॉक अनलॉक के लिए आपको यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं, पावर विंडो के स्विचेस भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं, डोर पॉकेट वगैरह भी आपको यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं, स्पीकर्स माउंटेड है यहाँ पे। एंड कुछ इस तरह का जो है इसका इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, वाइट एंड ब्लैक में डुअल टोन ये दो कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलो गाइस चलते हैं अंदर की साइड। एंड जाने से पहले गाइस इस तरह की जो है इसकी सीटिंग पोस्चर है, एंड जो सीट्स है आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल वाली देखने को मिलती है, जो कि एस्ट्रा एंड ग्रैंड विटारा में आपको ग्रैंड विटारा एंड हायराइडर में आपको देखने को नहीं मिलती। तो कुछ इस तरह का जो है इसका पैरा से इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है मैनुअल ऑब्वियसली गियर बॉक्स है इसका 5-speed वाला। एंड कुछ इस तरह की जो है दिखती है गाड़ी। यहाँ पे जो है ना गाइस आपको इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल वाला भी फंक्शंस मिल जाएगा, जो कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटर्स में इसके जो आता नहीं है, मतलब हो गया क्रेटा सेल्टोस, इसमें जो है प्रोवाइड नहीं होता है। यहाँ पे जो है मिरर आपको ऑटो डिमिंग वाला नहीं मिलता, मैन्युअली एडजस्टेबल वाला जो है मिरर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। एंड भाई MG की गाड़ियों में ना मुझे एक बात जो अच्छी लगती है बता दो मैं आपको, पहले डोर को कर लेता हूँ बंद क्योंकि धूप सी तो बहुत आ रही है भाई, बहुत ही हीट हो रहा है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि विंटर्स चल रहा है। एंड यहाँ पे जो है आपको AI स्मार्ट वाला जो है छोटू चिंटू मिंटू सा आपको ये देखने को मिलेगा। गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो कुछ इस तरह का जो है आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, पूरा डिजिटल जो है इंफोटेनमेंट आपको देखने को मिलेगा। देखो कुछ इस तरह की जो है एनिमेशंस बनती आती है। एंड गाइस कुछ इस तरह का जो है आपको इसका स्टेरियो भी देखने को मिलेगा, बहुत ही स्मूथ ये जो है स्टेरियो मुझे लगा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। एंड 360 का जो है व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। कैमरा थोड़ा सा बेटर होता तो और अच्छा हो जाता, मतलब आप हर एंगल से इसको देख सकते हो, बट अच्छा होता तो सही होता, बट इतना भी बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छी जो है क्वालिटी यहाँ पे लगती तो है, मतलब अच्छा होता तो और ठीक हो जाता, बाकी वैसी कोई दिक्कत नहीं है। 3D व्यू भी आप इसमें से देख सकते हैं, एंड सेटिंग ब्राइटनेस वगैरह वो तो कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर ही सकते हैं। एंड ऊपर की साइड जो है गाइस आपको सन वाइजर्स प्रोवाइड किए गए हैं विथ वैनिटी मिरर, यहाँ पे भी जो है सन वाइजर्स विथ वैनिटी मिरर आपको देखने को मिलेंगे। इस साइड जो है आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेगा, एंड कुछ इस तरह का जो है इसका स्टीयरिंग भी दिया गया है। एंड यहाँ पे जो है हेलो एस्टर बोलने पे जो है इसके कमांड्स जो है ऑन हो जाते हैं, मतलब सनरूफ खोलो, विंडोज़ खोलो, या सभी फंक्शंस जो है इसमें देखने को मिलेंगे। कुछ पैरे से जो है यहाँ पे AC वेंट्स जो लगते हैं जी वैगन में जैसे आते हैं ना कि सिमिलर, वैसे ही जो है AC वेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब फील तो आती है, लग्जूरियस फील जो आती है MG की गाड़ियों में बैठने के बाद, बहुत ही अच्छा सा जो लगता है। एंड अच्छा खासा डिजिटल मीटर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है
इसमें आपको देखने को मिलेगी। किलोमीटर ट्रिप ए बी वाला आपको सभी फंक्शंस जो है सभी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एंड हाँ गाइस, इसमें जो डैशबोर्ड है वो पूरा जो है सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको जो है सॉफ्ट टच देखने को मिलते हैं, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटर जो है प्रोवाइड नहीं करता। पूरा जो डैशबोर्ड है इसका सॉफ्ट टच में ही दिया गया है लग्जरी के हिसाब से। एंड नई सेट जो है आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा, इसका जिस तरह का जो है डिसेंट सा ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। एंड जो वाइपर्स है ना गाइज आपके फ्रंट वाले, वो आपको जो है एरो ट्विन्स मिल जाते हैं। एंड एमजी की गाड़ियों में बहुत ही अच्छी बात ये है कि आपको जो है डैश कैम के लिए यहाँ पे जो है अलग से पोर्ट दिया गया है, मतलब कि आपको पूरी वायरिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है कि यहाँ पे जाके लगाओ इसको। तो पूरी जो है यहाँ पे कंपनी ने जो सोच समझ के काम किया है ऐसा मुझे लगता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, करना भी चाहिए। एंड जो है स्टेयरिंग व्हील भी इसका बहुत ही अच्छा पैरा सा दिखता है। एसी के कंट्रोल्स भी आपको नीचे की साइड दिए गए हैं एंड यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एसी के कंट्रोल्स, जैसे यहाँ पे हो गए हैं। तो कुछ इस तरह के जो हैं इसके एसी के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। एंड वहाँ पे उस साइड भी आपको जो है ट्विटर्स देखने को मिलेंगे सिमिलर। एंड पूरी जो सीट्स है ना गाइस इसकी जो है लेदरेट आपको देखने को मिलेगी। जो इसका आर्मरेस्ट है वो आपको स्लाइडेबल तो नहीं मिलेगा, पर साइज से बहुत ही बड़ा जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको लेदर के सॉफ्ट टचेस यहाँ पे भी प्रोवाइड किए गए हैं। कुछ इतनी जो है स्पेस आपको छोटी मोटी मिल जाती है कुछ रखने के लिए। एंड यहाँ पे जो हैंड ब्रेक आपको फिजिकल दिया गया है। एंड मैनुअल गियर बॉक्स है, तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 का फिजिकल बटन भी आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया गया है। फिर से 360 का जो फंक्शंस आ जाते हैं। क्रूज कंट्रोल भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड जर्मन गाड़ियों की तरह जो है ना गाइस इसमें आपको इंडिकेटर्स के कंट्रोल जो है इस साइड दिए गए हैं। एंड लाइट्स के वाइफर के कंट्रोल जो है ना वो इस साइड दिए गए हैं, मतलब उल्टा काम चलता है इनका जर्मन गाड़ियों की तरह। एंड ऊपर की साइड जो है आपको लाइट्स वगैरह दिए गए हैं। एंड ये कुछ इसका जो है सनरूफ के जो कंट्रोल्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो है शेड है, इसके सनरूफ को कर देते हैं हम ओपन। एंड बहुत ही यूनिक जो है ना इसका स्विच है गाइस, बाकी अदर गाड़ियों से, मतलब क्रेटा सेल्टोस एंड हेराइडर से अलग है स्विच है। कुछ ऐसा घुमाए ना गाइस इसको तो ये टिल्ट हो जाती है एंड पीछे चली जाती है। देखो जिस तरह की जो है इसकी सनरूफ लगती है, बहुत ही प्यारी जो लग रही है, बहुत सनरूफ। एंड ये जो है स्पेशली इसके शेड के लिए दिया गया है। एंड यहाँ से हम सनरूफ बंद भी कर सकते हैं एंड और पीछे इसको कर भी सकते हैं हम। देखो गाइस और पीछे हो गई। एंड इतना जो है ओपनिंग है इसका, बहुत ही अच्छा जो है ओपनिंग है। एंड बहुत ही जो क्वालिटी है ना गाइस गाड़ी की, बहुत ही प्यारी लगती है। यहाँ पे जो है आपको इसके यूएसबी टाइप एंड एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो पोर्ट दिए गए हैं, सिगरेट लाइटर भी आपको यहाँ पे सिगरेट लाइटर वाला जो है चार्जिंग चार्जिंग पोर्ट वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। वायरलेस चार्जिंग जो है यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता। इसके जो ऊपर वाला जो एडास वाला वेरिएंट है उसमें आपको जो है वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। एंड कुछ इस तरह की जो है बाकी तो आपको दिखाई दी गई गाड़ी। एंड वन टच अप डाउन वाली जो है ऑटो ओपन मतलब वो जो विंडोज़ हैं आपको प्रोवाइड की गई हैं। एंड यहाँ पे जो है आपको IRVMs के जो हैं कंट्रोल्स दिए गए हैं। एंड नीचे की साइड जो है आपको हेडलाइट्स की लेवलिंग के लिए दिए गए हैं। एंड यहाँ पे जो है बूट ओपनिंग के लिए एंड फील्ड लिड ओपनिंग के लिए आपको जो है कंट्रोल्स दिए गए हैं, फील्ड लिड्स ओपन करने के लिए दिया गया है। जो ग्लो बॉक्स है डिसेंट सा जो मिल ही जाता है आपको। एंड इसके सनरूफ को कर देते भाई बंद यहाँ से। तो शेड तो हो गई है गाइस बंद। एंड चलते हैं पीछे, क्या कुछ आपको जो है रियर में देखने को मिलेगा देखते हैं। एंड ये जो है ना आपको ये आपके कमांड्स वगैरह सुन लेता है, मतलब इसमें आप कमांड्स वाला भी बटन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ना, तो ये हमारी कमांड्स जो है सुनने लग जाएगा। हेलो एस्टा, हाय, हाउ कैन आई हेल्प? ओपन द विंडो। देखना अभी कांच जो है ओपन हो जाएगी। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, कांच ओपन हो गई। एंड फिर से इसको बोलेंगे, है एस्टर, हेलो एस्टर, आई एम हियर, क्लोज द विंडो। देखो गाइस मैंने कुछ भी नहीं किया, विंडो भी क्लोज हो गई।
एंड चलते हैं पीछे की साइड, क्या कुछ जो है आपको देखने को मिलता है देखते हैं। यहाँ पे जो है आपको क्लच के पेडल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड चलते हैं पीछे की साइड, क्या कुछ और फंक्शंस जो है आपको देखने को मिलेंगे तो देखते हैं। जाने से पहले भाई एक बार ना इसकी संदूर जो है ना ओपन कर लेता हूँ, पूरी शेड जो है ओपन कर लेते हैं, डोर को कर देते हैं यहाँ पे बंद। एंड कुछ इस तरह की जो है इसकी रियर डोर ट्रिम जो है यहाँ पे देखने को मिलती है सिल्वर फिनिश के साथ, क्रोम के सिल्वर फिनिश के साथ, जो इसके हैंडल्स भी प्रोवाइड किए गए आपको डुअल टोन के साथ, ये जो है लेदर फिनिश के साथ जो इसकी डोर ट्रिम भी आती है। एंड अच्छी खासी जो है पावर विंडोज़ आपको देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे बॉटल होल्डर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो स्पीकर्स भी आपको जो है प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत ही अच्छी खासी जो है स्पेस गई आपको इसमें देखने को मिलती है रियर में। एंड यहाँ पे वो सीट के पॉकेट्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं दोनों भी साइड। एंड ये जो सीट्स है ना ड्राइवर वाली, मैंने पूरी पीछे करके रखी है तब भी मुझे इतना लेग रूम मिल रहा है। एंड मेरी हाइट है 5 के समथिंग जो है मेरी हाइट है। एंड रियर एसी वेंट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं विथ दो चार्जिंग पोर्ट्स। एंड कुछ इस तरह की जो है इसकी लेदर सीट्स आपको प्रोवाइड की गई है, बहुत ही अच्छी जो है लेदर क्वालिटी मुझे लगी। यहाँ पे जो है हैंडरेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया गया है विथ कप होल्डर्स। एंड इसको बंद करने के बाद आप ऐसा हाथ भी रख सकते हो मतलब आराम के लिए आपके। एंड 3 सीट बेल्ट जो है आपको देखने को मिलेंगी इसमें। एंड बीच वाला पैसेंजर भी है उसको भी आपको जो है सीट बेल्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, जो कि सेफ्टी के हिसाब से जो ना गाइस बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पे जो है तीनों भी हेडरेस्ट आपको रियर पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइड किए गए हैं कुछ इस तरह से। एंड सनरूफ ओपन होने के बाद तो बहुत ही अच्छी जो है गाड़ी लगती है पूरा। एंड सेगमेंट में ना सबसे बड़ा सनरूफ है इस गाड़ी का, मतलब बहुत ही बड़ा जो है सनरूफ है, क्योंकि जो है ना एस्टर में यहाँ तक जो है सनरूफ ख़त्म हो जा रही है। एंड हैरेडर ग्रैंड विटारास जो है उनमें यहाँ तक ही जो है सनरूफ ख़त्म हो जाती है। देखो इतना जो डिस्टेंस है ना भाई बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे इतनी जो है सनरूफ उनमें कम मिल जाती है, मतलब इसमें जो है ज़्यादा आपको सनरूफ मिल जाती है। एंड इसकी ओपनिंग जो है ना गाइस बहुत ही बड़ी है। तो चलो गाइस चलते हैं बाहर एंड कैसा कुछ आपको बाहर से व्यू देखने को मिलेगा तो देखते हैं। डोर को कर लेते हैं इससे बंद। एंड यहाँ पे जो है आपको इसकी जो है फ्यूल टैंक मिल जाती है। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे अंदर से तो बहुत ही प्यारी जो है गाड़ी लगी है, बहुत ही अच्छे जो है फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड टेक्निकली जो है ना गाइस बहुत ही फीचर लोडेड है गाड़ी, बहुत ही अच्छे खासे जो है फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। एंड एक बार आपको जो अगर विज़िट करना है तो डीलर के पास गाड़ी देखनी है तो विज़िट करके ज़रूर देखिए, क्योंकि मुझे जो है ना गाइस बहुत ही अच्छी जो है गाड़ी लगी है। एंड अपने अपने एक्सपीरियंस पे होता है गाइस, मतलब जैसी गाड़ी आपको लगेगी वैसा आपकी भी चॉइस होगी, मतलब जिस प्राइस सेगमेंट में गाड़ी आती है तो उसमें जो बहुत ही अच्छी खासा पैकेज जो बन जाता है। एंड वीडियो को रखते ही गाइस इतना ही। एंड अच्छी खासी वारंटी पैकेज भी जो है इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है, 5 ईयर्स की जो है वारंटी देखने को मिलती है, अनलिमिटेड किलोमीटर्स। एंड सर्विस पैक भी जो है इस बार देखने को मिलता है आपको 30,000 किलोमीटर्स तक। एंड बहुत ही अच्छा जो है सर्विस पैक भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो है ना गाड़ी बस आप डीलर के पास छोड़ दो वो आपको सर्विस करके दे देंगे, ऐसा कुछ जो है सर्विस पैकेज जो है गाड़ी के साथ मिलता है आपको। बहुत ही अच्छी जो है गाड़ी है। एंड वीडियो को रखते हैं इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you so much.